बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अच्छे, अपने अपने अटेंडेंस बता दीजिए, कौन कौन प्रेजेंट हैं। अपनी अटेंडेंस बता दीजिए, कौन कौन प्रेजेंट हैं। नंबर 3, 19, 1, 15, 13, 14, 20, 8, 4, 11, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सिक्स एंड सेवन इज एबसेंट, नाइन एंड टेन इज एबसेंट, एंड 12 इज एबसेंट, 16, 17 एंड 18 एबसेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो योर टॉपिक नेम इज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स टू से आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, जो फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सो पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज मेगा स्पोर्स एंड मेल गेमेट्स। सो वी कैन डिस्कस अबाउट द पोलन ग्रेन्स विच कंट्रीब्यूट द मेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड विद इन एन एंथर। कहाँ पे बनते हैं? विद इन एन एंथर। एंड अ टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या होता है ये? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स इट हैव फोर कॉलम्स, इट हैज़ कॉलम ऑफ स्टराइल टिश्यू। और यहाँ पे क्या होता है, एक कॉलम जो है वो स्टराइल टिश्यू का होता है, कॉल्ड द कनेक्टिव, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिव। इन द डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिव एंड दिस टिश्यू इज स्टराइल टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द एंथर। एंड ऑन अदर साइड
either side of which an anther lobe. Each lobe has the two microsporangia. कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं हर एक लोब के पास जो है वो मैक्सिमम जो एंथर होता है वो कितने होते हैं बाइलोब्ड एंथर होता है और ईच लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया सेपरेटेड बाय अ स्ट्रिप ऑफ स्टराइल टिश्यू दैट इज शोन इन फिगर 3.1 जो आपको मैंने अभी बताई. एक्सटर्नली द पार्टीशंस कैन ऑफन मेड आउट बाय द डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स जो कि पार्टीशंस किस वे से हैं डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स दीज आर ये डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स इस वे से जो वो दोनों लोब्स के बीच में भी जो फर्स्ट लोब एंड दैट वन इज द सेकेंड लोब तो इन दोनों लोब्स के बीच में भी ग्रुप्स के जरिए जो है वो गैप बनाया गया है. And at maturity, the two sporangia, in a lobe become jointed due to the breakdown of the partition between them. Maturity पे क्या होता है? दोनों sporangia in the lobe become jointed due to जो single lobe के जो स्पोरेंजिया होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं जॉइंटेड ज्वाइन कर जाते हैं ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ पार्टीशन बिटवीन देम इन सम प्लांट्स सच एज मोरिंगा एंड वॉल्फिया ईच एंथर लोब हैज ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स टू से दे आर मोनोथिकस means to say they have one microsporangium in particular lobe and rarely it may be just one microsporangium per anther as in Erysithomium जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पे क्या है इस डायग्राम में क्या बताया गया है that is sporogenous tissue जो कि इस लोब के बीच में प्रेजेंट है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें दो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और उसके बीच में जो बीच वाला कॉलम है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है और इसकी लेयर्स कितनी होती है एंथर की लेयर्स जो हैं चार लेयर्स होती हैं इसमें फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड वन इज़ द एंडोडर्मिस थर्ड वन इज द मिडल लेयर्स एंड फोर्थ वन इज द एपिडर्मिस चार लेयर्स का बना होता है ये एंड बीच में जो अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और जो एंथर की दो चारों कॉलम्स के बीच में प्रेजेंट होता है इसका नाम क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे भी स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाया गया है. चलो आते हैं इसके डिवेलपमेंट पे तो सिंपली जब हम इसके बारे में देखते हैं तो सिंपली जब एंथर जो है वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है एंथर तब क्या होता है एंथर जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है जो एंथर का प्राइमोडिया है दो चीज़ों में डिवाइड होगा एपिडर्मिस बनेगी एक एक वो बनेगा आर्किस्पोरियम सेल बनेगा और एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम अभी आर्किस्पोरियम के बारे में पढ़ते हैं कि आर्किस्पोरियम आगे जो है वो क्या क्या बना रहा है आर्किस्पोरियम जो है वो दो तरह के टिश्यू बना रहा है यहाँ पे पेराइटल टिश्यू एंड स्पोरोजिनस टिश्यू एंड यहाँ पे जो पेराइटल टिश्यू है वो एंडोथीशियम बनाएगा ठीक है और मिडल लेयर बनाएगा प्लस एपिडर्मिस बनाएगा ठीक है इनका ओरिजिन जो है वो यहाँ पे ध्यान से देखना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ बन रही है तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो आगे इसमें डिफरेंशिएशन होती है पोलन मदर सेल की फिर उसके बाद पोलन टेट्राड बनता है आफ्टर दैट एंड लास्ट में हमारे पास पोलन ग्रेन बनेगा लास्ट में क्या बनेगा पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर तो बुक में किस तरीके से दी है इसकी डेवलपमेंट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट
थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया हुआ है, ये सेम ही चीज़ है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अनडिफ्रेंशिएटेड एंथर जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनाएगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, प्राइमरी वर्ड जो है वो यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, यानी कि ये फर्स्टली फॉर्म्ड सेल्स हैं एंड जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं वो आगे सेकेंडरी पेराइटल सेल्स बनाएंगी, और सेकेंडरी पेराइटल सेल्स इसमें से कुछ सेल्स जो सेकेंडरी पेराइटल सेल्स हैं इसमें से कुछ एक सेल जो है वो एंडोथीशियम बनाएंगी और कुछ जो है वो अपर मिडल लेयर बनाएंगी। ठीक है, अपर मिडल लेयर बनाएंगी जो कि मिडल लेयर्स ही आगे प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी पेराइटल सेल्स का दूसरा ग्रुप है वो लोअर मिडल लेयर बनाएगी, लोअर मिडल लेयर बनाएगी। तो तीन लेयर्स यहाँ हमारे पास मिडल लेयर्स हो गई, और यहाँ पे जो लास्ट वाला ग्रुप जो सेकेंडरी पेराइटल सेल्स हैं उसमें से थोड़ी सी सेल्स जो हैं वो क्या बना देंगी, टेपेटम बना देंगी। और यहाँ पे सेकेंडरी जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं वो सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगी एंड एंड में क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर। तो सेम ही चीज़ है, इसको इलेबोरेट करके लिखा गया है थोड़ा। अब आते हैं इसकी डेवलपमेंट पे कि एंथर की डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो इन फ्लावर द स्टेमन इज कंसिडर्ड एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट कनेक्टिव एंड एंथर। हर एक स्टेमन जो है वो क्या क्या कैरी करता है, इसमें फिलामेंट होगा, कनेक्टिव होगा जो कि दो फिलामेंट को जोड़ेगा एंथर लोब से, और ऊपर जो है वो एंथर होगा प्रेजेंट। ठीक है, एंथर में भी मोनोथिकस हो सकता है या डायथिकस हो सकता है, उसकी टू लोब्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं या फिर मोनो लोबस या मोनोथिकस भी हो सकता है। एंड मोनोथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ टू लोक्यूल्स, उसमें दो लोक्यूल्स होते हैं और दो स्पोरेंजिया होते हैं। मीन्स टू से कि उसमें लोब एक ही होगी लेकिन उसमें स्पोरेंजिया जो होगा कितने होंगे, दो स्पोरेंजिया होंगे और लोक्यूल्स जो है वो दो होंगे प्रेजेंट। मीन्स टू से दैट इज सिंगल लोक्यूल और इसमें दो लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या दो स्पोरेंजिया बीच में प्रेजेंट होंगे। इस तरीके के एंथर को हम मोनोथिकस बोलते हैं, फोर लोक्यूल्स एंड फोर स्पोरेंजिया, जो कि हम पीछे डायग्राम्स में ये टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर है और प्लस इसको हम डायथिकस एंथर भी बोल सकते हैं। और टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर भी बोल सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑफ यूस्पोरेंजिएट क्या मतलब होता है, स्पोरेंजियम इज डेवलपिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स नॉट फ्रॉम ए सिंगल सेल। ठीक है, दो टर्म्स होती हैं, एक तो सिंगल सेल से अराइज होता है पूरा स्पोरेंजियम या फिर ग्रुप ऑफ सेल से अराइज होगा। तो यहाँ पे यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है एंथर की। एंड अ वेरी यंग एंथर इन ट्रांसवर्स सेक्शन शोज द एपिडर्मिस एंड आर्किस्पोरियम। जो वेरी यंग एंथर है उसमें ट्रांसवर्स सेक्शन में एंड एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम जो है वो दिखता है। द आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली गिविंग राइज टू प्राइमरी पेराइटल सेल ऑन द आउटर साइड। बाहर वाली तरफ क्या करेगा, ये प्राइमरी पेराइटल सेल को बनाएगा एंड स्पोरेंजियम स्पोरोजीनस सेल्स टुवार्ड द इनर साइड। अंदर वाली तरफ क्या बनाएगा, स्पोरोजीनस सेल बनाएगा अंदर वाली तरफ। एंड द सेल ऑफ द पेराइटल लेयर डिवाइड्स पेरिक्लिनली एंड एंटीक्लिनली।
जो पेराइटल सेल्स होती हैं, जो पेराइटल लेयर होती हैं, वो एंटीक्लिनली भी डिवाइड करेंगी एंड पेरिक्लिनली भी डिवाइड करेंगी। दे विल फॉर्म द एंडोथीशियम। क्या बनाएंगी ये? एंडोथीशियम बनाएंगी एंड मिडल लेयर एंड टेपेटम। मिडल लेयर एंड टेपेटम, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था। एंड लास्ट वन पॉइंट इज द सेल्स ऑफ द प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड इंटू पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो लास्ट वाली जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो क्या किस में डिफ्रेंशिएट होगा? पोलन मदर सेल में, और पोलन मदर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहलाती हैं। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो आगे क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर्स या स्पोर टेट्राड बनाती हैं। द अदर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वॉल्स, सॉरी एंथर वॉल इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वॉल लेयर्स, जैसा कि आपने पहले डायग्राम में देखा। एंड एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर एंड टेपिटम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट में। जस्ट अ मिनट। देर वॉज अ नेटवर्क इशू फॉर सम टाइम। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर विच इज इट इज़ कम्पैक्टली अरेंज्ड एंड यूजली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कम्पैक्टली अरेंज्ड होती है ये, यूजली प्रोटेक्टिव फंक्शन की होती है। एंड एपिडर्मल स्टोमेटा आर रिपोर्टेड इन एलेंजियम। एलेंजियम एक प्लांट स्पीशीज है, उसमें एपिडर्मल स्टोमेटा जो वो देखे गए हैं, एपिडर्मल स्टोमेटा देखे गए हैं उसमें। जैसे आपके पास ये एंथर होगा, जैसे यहाँ पे एंथर है, तो इसकी जो एपिडर्मिस होगी, जो आउटर लेयर है, तो वो थोड़ी थोड़ी जगह पे पंक्चर्ड होगी। तो वो पंक्चर जो है वो क्या होगा? स्टोमेटा। वहाँ पे क्या हो गया? स्टोमेटा रिपोर्ट किए गए हैं एलेंजियम में। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से, जिस एंथर का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एज एज लाइक मेगा स्पोरेंजियम, जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी पढ़ा था। एंडोथीशियम वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, एंडोथीशियम वहाँ पे भी प्रेजेंट थी। एंडोथीशियम की सेल्स में क्या खासियत होती है? द सेल्स ऑफ एंडोथीशियम आर रेडियली इलोंगेटेड एंड शो फाइब्रस बैंड्स। उसमें क्या होता है? फाइब्रस बैंड्स होते हैं। तो फाइब्रस बैंड्स जो हैं आपको एंडोथीशियम सेल्स में फाइब्रस बैंड देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं शो करती हूँ,
इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे फाइब्रस बैंड जैसे दिखेंगे, थोड़ा सा उल्टी हो गई है, नो इस तरीके से फाइब्रस बैंड जैसे दिखेंगे आपको। तो यहाँ जैसे इस तरीके से आपको यहाँ पे और ये चीज़ यहाँ पे आपको फाइब्रस बैंड्स दिखेंगे। ओके, तो इस तरीके की जो एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम में इस तरीके से आपको जो वो बैंड जैसे दिखते हैं। तो और क्या होगा इसमें, द फाइब्रस बैंड्स आर मेड अप ऑफ सेलोज, कैलोज से बना हुआ होता है ये फाइब्रस बैंड्स जो है वो किससे बने होते हैं, कैलोज से, एंड अराइज फ्रॉम द इनर टेंजेंशियल वॉल्स, जो कि इनर टेंजेंशियल वॉल से अराइज होता है, दैट आर इनर टेंजेंशियल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द यूजली फाइबर्स बैंड्स आर यू शेप्ड, यहाँ पे आपको बैंड्स जो हैं वो यू शेप्ड को देखने को मिलेंगे। आप बैंड्स देख रहे, यहाँ पे यू शेप्ड बैंड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, उनकी शेप कैसी होगी, यू शेप्ड। नेक्स्ट वन इज द फाइब्रस बैंड्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, फाइब्रस बैंड्स जो है वो कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होंगे, एंड द एंडोथेलियल सेल्स हेल्प्स इन द डिहिसेंस ऑफ एंथर एट मेच्योरिटी। एंडोथेलियल सेल्स जो है वो किस में हेल्प करते हैं, एक तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जब हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, टेंड्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ऐसे सेल्स जो कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की के लिए जो वो तत्पर रहते हैं, एक तरीके से टेंडेंसी होती है उसमें। नेक्स्ट वन इज द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड, दीज लेयर्स आर अदरवाइज कॉल्ड द फाइब्रस लेयर्स, इसको अदर इसका अदर नेम जो है वो फाइब्रस लेयर भी है, एंड इट इज़ यूजली सिंगल लेयर्ड, यूजली जो है सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, कॉक्सीनिया के एक्सपेक्शन सॉरी एक्सेप्शन है, कॉक्सीनिया में क्या होता है, डबल लेयर्ड प्रेजेंट होती है, ये जो एंडोथीलियम है एंडोथीशियम है वो डबल लेयर्ड होती है कॉक्सीनिया में। वो थर्ड लेयर है हमारे पास मिडल लेयर, मिडल लेयर जो है वो दो दो या तीन लेयर्स से बनी होती हैं, बिलो द एंडोथीशियम 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट विच कंस्टिट्यूट मिडल लेयर्स, जो कि मिडल लेयर बनाती हैं, एंड दीज लेयर्स आर एफेमरल एंड बिकम क्रश्ड बाय अर्ली मियोसिस इन पोलन मदर सेल। जब पोलन मदर सेल्स बनती हैं, मदर सेल से आगे जो है वो स्पोर टेट्राड बनता है, तो उनके जरिए जो भी ये क्रश कर दी जाती हैं, ये ऐसी लेयर्स होती हैं एफेमरल, मतलब कि थोड़े टाइम ही टिकने वाली लेयर्स होती हैं, एंड दी सेल्स एक्ट एज द स्टोरेज सेंटर फॉर स्टार्च, जो कि स्टार्च का स्टोरेज सेंटर, एज ए स्टोरेज सेंटर जो है वो काम करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर इज़ द टेपेटम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, और आपको डैम श्योर है कि पेपर में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ ही जाएगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बीच में, या तो फिर टाइप्स ऑफ टेपेटम में आ सकता है, या फिर इसमें एक या दो क्वेश्चन, एक या दो नंबर के जो है बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। टेपेटम, टेपेटम इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल्स, एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर है, एंड इट कम्प्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, ये क्या करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू को कम्प्लीटली सराउंड करती है, एंड द सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, देयर इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एंड यूजुअली टेपेटम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, टेपेटम में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल जो वो प्रेजेंट होता है, एज द टेपेटम कम्प्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, मेजर पार्ट ऑफ इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पेराइटल सेल्स। आपने डेवलपमेंट में पहले भी पढ़ा कि पेराइटल सेल जो है, पेराइटल सेल्स का कुछ ग्रुप जो है सेल्स का, वो टेपेटम बनाता है, तो यहाँ पे
किससे डेवलप होते हैं, पैरेटल सेल्स एंड ए स्मॉल पार्ट डेवलप फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू, इसका छोटा सा पार्ट जो है स्पोरोजिनस टिश्यू से भी बनता है, जैसे बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू से भी बनता है। एंड द टेपेटम ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग स्पोरोसाइट्स, जो स्पोरोसाइट्स होते हैं या फिर स्पोरो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या स्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ फ्रॉम टेपेटम। टेपेटम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा। एंड इट इज़ रेड ब्राउन इन एप्पल, टेपेटम जो है वो पिगमेंटेड भी हो सकती हैं, पिगमेंटेड भी हो सकती हैं, और इसमें एप्पल में कैसी होते हैं, ये रेड ब्राउन इन एप्पल एंड वॉयलेट कलर इन एनीमोन, एनीमोन में ये वॉयलेट कलर की होती हैं टेपेटम सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर देर आर टू काइंड्स ऑफ टेपेटम, दो तरह का टेपेटम प्रेजेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर। देर वॉज़ अ लिटिल बिट नेटवर्क इशू। तो यहाँ पे दो तरह का जो टेपेटम होता है, फर्स्ट वन इज़ द अमीबॉइड टेपेटम एंड सेकेंड वन इज़ द ग्रैनुलर टेपेटम। अमीबॉइड टेपेटम में क्या चीज़ होती है, द इनर एंड रेडियल वॉल्स ऑफ द टेपेटम ब्रेक डाउन ड्यू टू द एक्शन ऑफ हाइग्रोस ड्यू टू द एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड देयर प्रोटोप्लास्ट पेनिट्रेट्स बिटवीन द पोलन मदर सेल्स एंड डिवेल्पिंग पोलन ग्रेन्स। अमीबॉइड टेपेटम में जो है इसमें बिहेवियर जो है सेल्स का डिफरेंट होता है, इसलिए जो है इसको अमीबॉइड टेपेटम कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से जो है वो उसमें टेपेटम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टेपेटम की वॉल्स का, और उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो पेनिट्रेट कर जाता है बिटवीन द पोलन मदर सेल्स एंड डिवेल्पिंग पॉलन ग्रेन्स में। एंड सेकेंड वन इज़ द आफ्टर इंट्रूजन, आफ्टर इंट्रूजन जब ये अंदर जो वो घुस जाती हैं, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है जो अंदर इंट्रूड कर जाता है, दे फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ मास ऑफ टेपेटल पेरी प्लाज्मोडियम। तो इसमें टेपेटल पेरी प्लाज्मोडियम बनता है जो कि स्पोर मदर सेल्स के आउटर साइड जो वो आउटर बॉल्स में चिपक जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द दिस टेपेटल प्लाज्मोडियम रिमेन्स द एसोसिएटेड विद द पोलन ग्रेन्स टिल देयर मेच्योरिटी, उनकी मेच्योरिटी तक ये जो है ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट वन इज द वेन द एंथर गेट्स ड्राइंग अप द टेपेटल पेरी प्लाज्मोडियम गेट डिहाइड्रेटेड एंड कोटेड ओवर द सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन एंड देयर बाय हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग्जाइन। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जाइन फॉर्मेशन में टेपेटम हेल्प करता है या नहीं, तो इसका आंसर होगा येस, अमीबॉइड टेपेटम जो है वो यहाँ पे एग्जाइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ द अमीबॉइड टेपेटम इज़ कंसिडर एज द प्रिमिटिव टाइप। तो इसमें इसको क्या कहा गया है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपेटम है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेरी प्लाज्मोडियल टेपेटम। कंसिडर
कभी आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि पेरिप्लाज्मोडियल टेपेटम किस चीज़ को कहा जाता है, तो आप क्या करोगे, आप अमीबॉइड टेपेटम की डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखोगे, और ये किस कौन कौन से प्लांट्स में होता है, एलिस्मा में पाया जाता है, ट्रेडेंशिया में पा ट्रेडेंशिया में पाया जाता है, टाइफा में पाया जाता है, सेजिटेरिया एंड पोटामोगेटोन इस प्लांट में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रैनुलर टेपेटम। ग्रैनुलर टेपेटम जो है इसमें क्या होगा, ग्रैनुलर टेपेटम में द सेल्स ऑफ ग्रैनुलर टेपेटम रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। थ्रू आउट द माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट जो है वह इंटैक्ट ही रहती हैं ये सेल्स, ठीक है, ये सेल्स कैसी होंगी, इंटैक्ट ही रहेंगी। एंड दे सिक्रेट देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर इनर फेसेस। जो इनर फेसेस जो अंदर वाला तरफ अंदर वाली तरफ से उनकी वॉल होगी, वो उस तरफ से ये अपने सब्सटेंसेस जो है वो धीरे धीरे सिक्रीट करते हैं। एंड सिक्रीटरी टेपेटल सेल्स, तो इनको जो है वो साथ में सिक्रीटरी सेल सिक्रीटरी टेपेटल भी टेपेटम भी बोला जाता है। इसका नाम जो है वो सिक्रीटरी टेपेटम भी है। दे सिक्रीट देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम द इनर फेसेस एंड सिक्रेटरी टेपिटल सेल्स थिन आर थिन एंड पोजेसेस ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंड डिक्टायोसोम्स एक्सेट्रा। इसमें से सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जस्ट बिफोर द पोलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस द वॉल्स ऑफ टेपिटल सेल्स बिकम थिक एंड देयर इट्स इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ राइबोसोम्स। तब दी एकदम से क्या होता है, नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रो यूबिश बॉडीज जो कि याद रखना ग्रैनुलर सेल टेपेटम में बनती हैं, विच द कंप्लीशन ऑफ द पोलन डेवलपमेंट प्रो यूबिश बॉडीज पास इनटू द एंथर लोक्यूल, क्योंकि एंथर लोक्यूल में पास कर जाती हैं फ्रॉम द टेपेटल सेल एंड दे आर नाउ कॉल्ड द यूबिश बॉडीज। जो प्रो यूबिश बॉडीज, जब ऐसी बॉडीज जो प्रोटीन रिच बॉडीज होती हैं ये जो कि टेपेटम सेल्स में बनती हैं, तब उनको प्रो यूबिश बॉडीज बोला जाता है। लेकिन जब पास कर जाती हैं एंथर लोक्यूल में चली जाती हैं ये, तब उनको यूबिश बॉडीज बोला जाता है। एंड दे आर कोटेड ओवर द पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो वो कोट हो जाती हैं। एंड हाई फॉर एग्जाम्पल हायर मोनोकोट्स एंड मैनी डाइकोट्स, इसका एग्जाम्पल जो है वो हायर मोनोकोट्स और बहुत सारे डाइकोट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टेपेटम। फंक्शन ऑफ टेपेटम चार फंक्शन जो है वो मैं करवा रही हूँ आपको, बाकी के आपने खुद करने हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और साथ में आपने क्या करना है, इसके जो नोट्स हैं वो खुद बनाने हैं। हो सकता है इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे स्पोरोपोलेनिन के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब किया हुआ है, तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपने बताना है। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने आपका ये होमवर्क है, आपने क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे स्पोरोपोलेनिन के ऊपर नोट लिख के लाना है कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन, एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, इंटाइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, ये तीनों चीज़ें आपने जो डिस्क्राइब करनी है अपनी कॉपीज़ पे। अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको पता चल गया है कि आपका कल का होमवर्क क्या है। ओके, वन रिप्लाई।
प्रियंका रानी, क्या के जी? ओके ठीक है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टेपेटम, दीज आर द फंक्शंस ऑफ टेपेटम. फर्स्ट फंक्शन है इसका न्यूट्रिएंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द टेपेटम टू द स्पोरोजिनस टिश्यू. कि सबसे पहला इसका काम क्या है, सबसे पहला इसका क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है ये टू द स्पोरोजिनस टिश्यू. एंड टेपेटम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कैलोस विच रिलीज माइक्रोस्पोर्स इन द टेट्राड, इन ए टेट्राड बाय डिग्रेडिंग कैलोस वॉल. टेपेटम जो है वो सिंथेसिस ऑफ कैलोस में भी इन्वॉल्व है, और जो माइक्रोस्पोर जो अगर टेट्राड से रिलीज होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व है. एंड टेपेटम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन, एग्जाइन फॉर्मेशन में भी इसका रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. लास्ट वन इज़ द पोलन किट, पोलन किट दैट इज लिपिड एंड कैरोटीन्स इज फॉर्म्ड बाय द टेपेटल लेयर्स. ये कौन बनाता है? टेपेटल लेयर्स बनाती हैं. इट इज़ अ इंसेक्ट अट्रैक्टेंट. ये क्या है? इंसेक्ट अट्रैक्टेड है एंड प्रोटेक्ट द पोलन फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज. ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए पोलन को यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टेपेटम. तो इसके जो बाकी फंक्शंस हैं आपने कर लेने हैं, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस तो आपको बता दिए, प्लस आपने स्पोरोपोलनिन और इंटाइन एंड एग्जाइन लेयर्स ऑफ द पोलन ग्रेन आपने ये खुद करना है काम. और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ये लिख के, कॉपी पे लिख के आपने ये भेजना है कि हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है. ओके अब अपनी अटेंडेंस दीजिएगा. अपनी अटेंडेंस देना बच्चे दोबारा. निधि रोल नंबर 10, प्रियंका 13, 10, 15, 8, 3, 14, 19, 4, 11, 5 एंड रोल नंबर 20, रोल नंबर 1. ओके तो जितने स्टार्टिंग में थे उतने आ चुके हैं. बाकी सभी अटेंड, बाकी किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगेगी. बाद में कोई ऐसा बोलेगा कि नेटवर्क इशू है या समथिंग. थ्रू आउट द लेक्चर जो है वो आधे घंटे में अगर नहीं आया नेटवर्क तो फिर कब आना. ओके योर क्लास इज ओवर नाउ.